दिल्ली में यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है, जिस वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया, खास तौर से उन इलाकों में जो यमुना से सटे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ इंस्पेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं, राकेश कुमार सिंह। एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुँच गई है, कई टीम्स यहाँ पर पहुँची हुई हैं, क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत हो तो एनडीआरएफ यहाँ पर फिलहाल तैनात हो गई है। सर, कितनी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, अभी क्या सिचुएशन? फिलहाल यहाँ एक टीम में है, बाकी हमारी बटालियन की टोटल 6 टीमें जो दिल्ली में तैनात हैं, और बाकी बनारस से भी कई टीमें, गाजियाबाद से भी कई टीमें आ रही हैं। दिल्ली के लिए आ रही? हाँ, दिल्ली के लिए आ रही है। हमने कल से 50 विक्टिम को रेस्क्यू किया है। हमारा ऑपरेशन कल रात 1 बजे तक चला और अभी सुबह से चालू है। हम जो पूरी जो ये हालात है उसके लिए पूरी तरह तत्पर है, हमारी टीमें पूरी तरह तैयार हैं। अभी सर, जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, कश्मीरी गेट का इलाका आता है, यहाँ पर क्या किसी के फंसे होने की कॉल है? किस तरह से एनडीआरएफ अब आगे काम करने वाली है? यहाँ पे जो लोकल एक दो लोग हैं फंसे हैं और उनको निकाला जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि जल्दी आप सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए, आपको निकाला जाएगा और निकालेंगे हम लोग, तैयार हैं उनके निकालने के लिए। उनको बताने के लिए फ़ोन कॉल कर रहे हैं या फिर कोई अनाउंसमेंट किया जा रहा है? अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यू अनाउंसमेंट किया जा रहा है और हम लोग उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो निकलेंगे, अभी निकाला जाएगा उनको। देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह, जिनका कहना है कि उनकी एक टीम फिलहाल इस इलाके में लगी हुई है, बाकी दिल्ली में 6 टीमें लगी हुई हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि अगर कोई कहीं भी फंसा होगा तो उसको अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आप ऊपर फ्लोर पर हैं तो अपने घर के निचले फ्लोर पर आ जाइए ताकि आपको रेस्क्यू किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी हिस्सों से भी, यानी कि यूपी से, गाजियाबाद और बनारस से भी टीम्स जो हैं एनडीआरएफ की वो अब दिल्ली पहुँच रही हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में हर घंटे जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात ये हैं कि वो इलाके जो कि यमुना से सटे हुए हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। पानी जो है सड़कों पर आना शुरू हो गया, खास तौर से आउटर रिंग रोड जो पूरी तरह से इस वक्त आवाजाही के लिए बंद कर। दिल्ली में बाढ़ के हालात, दिल्ली में हालात ये हैं कि यमुना बाजार का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और पानी सड़कों पर आ रहा है, आउटर रिंग रोड को बंद किया गया, लेकिन पानी और ज़्यादा आगे ना बढ़े इसीलिए यहाँ पर जो सीमेंट के बैग्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये वो सीमेंट के कट्टे हैं जिनको अभी अभी एनडीआरएफ की टीमों के पहुँचने के बाद यहाँ पर लगाया जा रहा है, ताकि जो पानी तेज़ रफ्तार से यमुना की तरफ से आ रहा है बहकर सड़कों पर, उसको किसी तरह से रोका जाए ताकि हालात को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस वक्त आप हालात देख रहे हैं, एनडीआरएफ मौके पर मौजूद। आगे जो ट्रक जा रहा है उसमें मैं बता दूं कि कौन लोग सवार हैं, उसमें वो लोग सवार हैं जो यमुना बाजार इलाके में रहते हैं अंदर, क्योंकि गौशाला है और गौशालाओं में कई सारी गाय और भैंस जो है वो फंसी हुई है, उनको निकालने के लिए ये ट्रक अंदर जा रहा है ताकि जानवरों को बचाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से रातों रात लोगों ने यहाँ से अपने घर खाली करे और जो कैंप में पहुंचे थे पिछले 2 दिनों से, कैंप पूरी तरह से पानी में डूब गए, इसी वजह से अब लोगों को वो कैंप छोड़कर भी रातों रात सड़कों पर आना पड़ा, इसीलिए रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ मौके पर तैनात और जो अंदर लोग फंसे हैं उनके रेस्क्यू के लिए लगातार जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। इस वक्त हम भी एनडीआरएफ की टीम के साथ फिलहाल सवार हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए सेफ्टी बेहद जरूरी, इसीलिए यहाँ पर लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ जैकेट पहन के हम एनडीआरएफ की टीम के साथ अंदर जाएंगे ताकि आगे क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं वो तस्वीरें दिखा सकें। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त अपने सबसे भयावह रूप में है। 45 साल का यमुना जलस्तर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इस वक्त हम एनडीआरएफ की टीम के साथ एक बोट में सवार हैं। इस वक्त जिन सड़कों पर हम चला करते थे, आज उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं गलियों में हम बोट से सवार हैं। वजह यह है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बाढ़ के हालात बन गए हैं, खास तौर से उन इलाकों में जो यमुना से लगे हुए हैं, यमुना खादर का इलाका और वो इलाका जो यमुना के सबसे करीब था, वो पूरे झुग्गी झोपड़ी, वो सारे घर और कई सारी ऐसी इमारतें जो हैं वो इस वक्त पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। कश्मीरी गेट का ये वो इलाका जहां आउटर रिंग रोड है, खास उसी रोड के किनारे ये अस्पताल है और आप देख सकते हैं अस्पताल के करीब जो है वो पानी भरना शुरू हो गया। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रही है और ये देखने के लिए कि क्या कोई लोग आगे फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा सके। इस वक्त आप देखिए पानी कितना ज़्यादा है, कई फुट पानी इस वक्त यहाँ पर है और ये वो गली है जो बिल्कुल आउटर रिंग रोड के करीब है और अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो पानी का जो लेवल है वो इन सड़कों पर बढ़ता ही जाएगा। आप सामने देखिए ये घर हैं, कई सारी ऐसी इमारतें हैं जहां पर लोग रहते थे, रातों रात लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा, लोगों को
अपना जो सामान था रातों रात सड़कों पर लेके आना पड़ा। मैं ये भी बता दूं कि पिछले 5 दिनों से हम ग्राउंड जीरो पर हैं और ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बार बार कहा जा रहा था कि अपने घर जो हैं वो खाली कर दें, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो घर खाली नहीं कर सके वक्त से। इसी वजह से लोगों को अब ऐसी स्थिति में रातों रात घर खाली करना पड़ा। अब सबसे बड़ी यहाँ पर हालात ये हैं और सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर ये पैदा होती है कि जो लोग अभी भी अंदर फंसे हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सके। अब देखिए कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार मशक्कत कर रही है ताकि बोट को किसी तरह से आगे लेकर जाया जा सके, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पानी में बह के काफ़ी सारा सामान लोगों का जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये पंडाल है जो लगा हुआ था, यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, निगम बोध घाट है और यमुना का वो इलाका जहाँ पर कई सौ परिवार जो है वो रहते थे, कई सौ लोग रहते थे। पहले उनको सेफ कैंप्स में जो है वो पहुँचाया गया। सेफ कैंप्स वो कैंप्स जो सरकार की तरफ से लगाए गए थे पिछले 2 दिनों में, और पिछले 2 दिनों में उन कैंप्स में उन लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन हालात ये पैदा हो गए कि कल रात वहाँ पूरी तरह से पानी भर गया, कैंप्स पानी में डूब गए, लोग रातों रात अपना सामान लेकर सड़कों पर आ गए। और इस वक्त फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस टीम के साथ और यहाँ पर लोगों को देखा जा रहा है। ज़रा ये देखिए मंदिर में किस तरह से लोग जो हैं वो अभी भी अंदर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो हालात हैं वो हर घंटे ख़राब हो रहे हैं क्योंकि यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। इस वक्त ताज़ा जो हमारे पास अपडेट है उस हिसाब से यमुना का जलस्तर जो है वो इस वक्त 207.41 सुबह 6 बजे था, जिसके बाद लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो 208.46 हो गया है। तो सोचिए लगातार हालात ख़राब हो रहे हैं, लोगों को निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है टीमों की तरफ से। और अभी भी आप देखिए जिन लोगों के घर इस इलाके में अंदर हैं उनसे एनडीआरएफ इंस्पेक्टर जो हैं ये पूछ रहे हैं कि आप लोग सेफ जोन में आ जाइए। देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि आप लोग सेफ। दिक्कत होगी आपको, आपको दिक्कत होगी बाद में, लेवल बढ़ रहा है आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। नहीं नहीं आपको दिक्कत होगी, फिर बाद में हम लोग को भी दिक्कत होगी निकालने में। देखिए वो कह रहे हैं कि अभी आप लोग निकल जाएंगे तो बहुत ठीक रहेगा, आप लोग प्लीज रिस्क ना लें, सेफ जोन में चले, यहाँ से निकलें। और देखिए लोग अभी भी अपने घर की छत पर जो है वो बैठे हुए। सर आप यहीं रहते हो? ये देखिए ये शख्स जो है ये यहीं रहते हैं, इनसे बात कर। आप लोग निकल क्यों नहीं रहे सेफ जोन में जाने के लिए, कहा जा रहा है पानी इतना बड़ा। 50 साल से झेल रहे हैं पानी, कोई नई बात नहीं है। खाना पानी का क्या कर? तक तो कोई अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। घर के सामान का क्या हुआ? सामान तो बह रहा है, जो बह रहा था सामान बह रहा है, लेकिन फिलहाल अभी लोग सेफ जोन में जाने के लिए तैयार नहीं है, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहाँ लोग हैं और देखिए सब लोग अपनी छतों पर हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि प्लीज़ यहाँ से निकल के सेफ जोन में पहुँचिए, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो जलस्तर बढ़ने की वजह से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना सामान जो है वो आप देखिए ज़रा सामान किस तरह से जो पानी में बह गया, क्योंकि बहाव भी पानी का यमुना का आजकल तेज़ चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर जो उनका सामान बहा है उसको यहाँ से लोग घरों में वापस लेकर जा रहे हैं। मैं चाहूँगी वो तस्वीर भी दिखाई जाए किस तरह से उनके घर का सामान जो है वो बहा है और उसी सामान को वो यहाँ से निकालते हुए अपने घर में वापस जा रहे हैं। लेकिन लगातार लोगों से अपील की जा रही है, अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई है, पानी भर गया है, तो आप लोग सेफ जोन में पहुँचिए, क्योंकि सेफ जोन में जाना इस वक्त ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। यमुना बाज़ार का वो इलाका जहाँ कल से एबीपी न्यूज़ वो तस्वीरें दिखा रहा था, जहाँ ग्राउंड जीरो पर खड़ा था, सड़कों पर खड़ा था, इसी जगह आज यहाँ पर बोट से सवार है। वजह यह है क्योंकि यमुना बाज़ार का वो इलाका जहाँ पर टेंट लगाए गए थे लोगों के लिए, सेफ जोन बनाए गए थे यहाँ पर ताकि लोग अपना सामान रख सकें, यहाँ से यहाँ पर रह सकें, लेकिन अब इन सभी जगह पानी आ गया है, लोग छतों पर अभी भी बैठे हुए हैं। चाहूँगी तस्वीरें दिखाई जाएं, महिलाएं भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं कई सारी, और एक महिला की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिख रही है। कई सारे लोग अभी भी यहाँ पर हैं जो निकलने के लिए तैयार नहीं है, जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से निकलिए ताकि
आप लोग सेफ जोन में आ जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी निकलने को तैयार नहीं है। रातों रात लोगों को घर छोड़ना पड़ा और अपना सामान इस वक्त देखिए जो सामान बहा, उन सभी सामानों को यहाँ से जो लोग हैं वो किस तरह से पानी से निकाल रहे हैं। मैं चाहूँगी मेरे उल्टे हाथ की तस्वीर दिखाई जाए। ये वो इलाका है यमुना बाज़ार का जहाँ पर कई सारे घर हैं, कई सौ लोग रहते थे। पिछले चार दिनों से यहाँ पर भयावह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि 5 दिनों तक ये लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन अब देखिए यहाँ हालात क्या हो गए हैं। बाढ़ पूरी तरह से आ गई है दिल्ली के निचले इलाकों में, पूरी तरह से यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं। ये वो कैंप है जहाँ पर भंडारा लगाया गया था, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई थी अलग अलग संगठनों की तरफ से। वो सभी कैंप इस वक्त आधे से ज़्यादा पानी में डूब गए हैं। ये वो टेंट हैं जो लगाए गए थे ताकि लोग इसमें अपने आप को सुरक्षित कर पाएं यहाँ रह के और अपने घरों से निकलें, लेकिन अब इन टेंट्स के हालात जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या हालात हैं। अब देखिए ज़रा NDRF की टीमें जो हैं लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। और देखिए यहाँ कुछ लोग जो इसी इलाके में रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद जो गौशाला है उससे गाय जो उसमें मौजूद हैं उसमें यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो जानवर थे, जो कुत्ते थे, जो पानी में फंसे हुए थे, उनको NDRF की टीम ने अपनी बोट में यहाँ पर बिठाया है। और NDRF ने यहाँ पर कई सारे कुत्ते जो थे जो इसी इलाके में रहते थे उन सभी को रेस्क्यू किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ से निकलने को तैयार नहीं हैं, अपनी छतों पर डटे हुए हैं। तो उनको भी लगातार आग्रह किया जा रहा है NDRF की टीम की तरफ से कि आप निकलिए और हमारे साथ बोट में सवार हो जाइए ताकि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाएं। आप देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो गौशाला के अंदर से निकल रहा है, कई सारी गाय अंदर फंसी हुई हैं, उन गायों को ट्रैक्टर में बिठाया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। कई सारे लोगों की ज़िंदगी इस वक्त खतरे में है, कई सारे जानवरों की ज़िंदगी इस वक्त खतरे में है। दिल्ली पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो चुकी है, ख़ास तौर से वो इलाके जो यमुना से सटे हुए हैं। और इस वक्त देखिए ज़रा NDRF आगे की तरफ बढ़ रही है, यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो दिल्ली के निचले इलाकों में ख़ास तौर से शुरू हो गए हैं। आउटर रिंग रोड पूरी तरह से बंद हो गया है और इस वक्त जिस बोट में हम सवार हैं उसमें NDRF इंस्पेक्टर सवार हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं जो लोग छतों पर बैठे दिख रहे हैं कि निकलिए क्योंकि खतरा बड़ा है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित के साथ इस बोट में सवार हूँ और हम लोग सिर्फ यहाँ ये पहुँचे ताकि आपको तस्वीर दिखा सकें कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात पैदा हो गए हैं। और क्योंकि बाढ़ जो है वो रातों रात ज़्यादा अपने भयावह स्थिति में हो गई है, जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं चाहूँगी वो तस्वीर भी दिखाई जाए कि कुछ लोग अपने सर के ऊपर अपना कुछ घर का सामान रखकर इसी पानी में आगे बढ़ रहे हैं। ये तकरीबन 5 फुट से ज़्यादा पानी जो है वो है और लोग आप देख सकते हैं किस तरह से अपने घर का ज़रूरी सामान जो है वो सर पर रखकर जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि सेफ जोन में जा सकें। लेकिन हालात दिल्ली में हर घंटे यमुना के जलस्तर बढ़ने से ख़राब हो रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली। Oh, oh, oh.